दोस्तों ये आप देख सकते हो सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे है एक ब्लैक कलर का फ्लैगशिप फ़ोन सैमसंग का, 1 लाख रुपए का फ़ोन है। और आप में से एक दर्शक को ये फ़ोन गिवअवे मिलेगा, दो फ़ोन गिवअवे मिलेगा यहाँ पे, तो वीडियो के साथ बने रहो, बताऊँगा। पहले जो है थोड़ा अनबॉक्सिंग देख लो, ये है बॉक्स, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ़ोन है, उसके ऊपर कुछ मैनुअल जो आपको एक सिम इजेक्टर टूल और एक केबल है, चार्जर नहीं है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो 6.8 इंच का जो है क्वाड एचडी प्लस वाला डिस्प्ले है। यहाँ पे 3 कैमरा है पीछे, एक्चुअली 4 कैमरा है। तो यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। यहाँ पे आप देख सकते हो यह डिस्प्ले जो है 6.8 इंच का क्वाड एचडी प्लस एमुलेट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। और एस पेन का सपोर्ट दिया गया है। सैमसंग जो अपने नोट सीरीज़ को डिसकंटिन्यू करने वाला है, तो इसलिए जो है सैमसंग ने जो है S22 अल्ट्रा में जो है इस तरीके का फीचर दिया। तो यह ब्लैक वाला भी देख सकते हो, ये भी एक फ़ोन गिव अवे है। आप में से एक दर्शक यहाँ पे एक ब्लैक और एक वाइट वाला फ़ोन जीतोगे, तो आप यहाँ पे ओवरऑल लुक वगैरह क्या कुछ देख सकते हो। तो यहाँ पे 4 कलर होगा टोटल, पिंक, वाइट, ब्लू और ब्लैक यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से सैमसंग ने इसको फीचर किया है। और साथ ही साथ दोस्तों सैमसंग ने जो इस बार काफ़ी बड़ा स्टेप लिया, अपने नोट सीरीज़ को डिसकंटिन्यू कर रहा है और इसी फ्लैगशिप फ़ोन में जो है सारा फीचर डाल रहा है। और काफ़ी हद तक सही भी है डिसीजन, क्योंकि नोट सीरीज़ और ये जो S20 वाला फ्लैगशिप सीरीज़ है, S22 वाला, इसमें जो है काफ़ी जो है एक अंतर आ जाता था, लोग कन्फ्यूज़ हो जाते थे। तो इसको सही करने के लिए सैमसंग यहाँ पर काफ़ी यूनिक फीचर भी ला रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कलर है, हालाँकि अभी जो है हम दो ही फ़ोन गिव अवे करेंगे, ब्लैक और व्हाइट वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कुछ है, और आगे मैं इसके फीचर के बारे में बताता हूँ क्या कुछ है इसका पूरा का फीचर। तो इसमें जो है टोटल जो है दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे बॉक्स है, तो इसमें 5000 mAh का बैटरी है और इसमें 45 वाट का जो है फास्ट चार्जर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब सपोर्ट करेगा यहाँ पे आप देख सकते हो। और बाकी तो आपको ये एक पिंक वाला आपको देखने को मिल रहा है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और स्नैपड्रैगन 81 Gen जो 5 नैनोमीटर वाला बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है 5G वाला, वो इसमें डाला गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो वाइड एंगल क्या कुछ है, यहाँ पे 40 बता रहा है, कहीं पे 32 बता रहा है, 6.8 इंच का जो है यहाँ पे 5000 mAh का बैटरी है, क्वाड एचडी प्लस इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है। तो सैमसंग काफ़ी एग्रेसिव है इस बार एप्पल को टक्कर देने के लिए, और सैमसंग जो है बहुत ही इनोवेटिव कंपनी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से सैमसंग ने इसको फीचर किया इस बार। और इसमें जो है रैम जो है 12 GB है और 16 GB का रैम है, और इसमें स्टोरेज जो है 256 GB, 512 GB और 1 TB वाला भी एक स्टोरेज वेरिएंट रहेगा जो 1,30,000 का आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से है दोस्तों, यहाँ पे पूरा सब कुछ ओवरऑल फीचर वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ। और फ़ोन की जो है प्रोसेसिंग पावर काफ़ी ऑप्टिमाइज किया गया है और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर डाला है। तो सैमसंग जो है बहुत ही इस बार जो है कड़ी टक्कर देने वाला है एप्पल को। आपका क्या ख्याल है कमेंट करके बताओ। और ये वाइट वाला भी बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। तो मैं गिव अवे का रूल बता देता हूँ, सिंपली आपको क्या करना होगा इन दोनों फ़ोन को जीतने के लिए, ब्लैक और वाइट को। तो पहली बात तो आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, एकदम मैंडेटरी है, डैशन को सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, जी हाँ दोस्तों। उसके बाद इस फ़ोन के बारे में एक कॉमेंट करना होगा, क्या आपका जो है इस फ़ोन में सही लगता है और गलत लगता है, मतलब सैमसंग ने नोट सीरीज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया और इस फ़ोन को लेके आ चुका है, तो ये डिसीजन सैमसंग का सही है कि गलत है, आप हमें कमेंट करके बताएं। और हम एक रैंडम कमेंट को पिक करेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों इसका रिजल्ट जो है हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दे देंगे, तो वहाँ पे जाके ज़रूर फॉलो करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके ज़रूर चेकआउट करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।